नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। स्मैक तस्कर फैजान के मकान पर बीडीए का बुलडोजर चल गया, बिना नक्शे के ही उसने कोठी बनाई। विकास प्राधिकरण की शिकायत के बाद बीडीए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि बरेली में स्मैक का काला कारोबार हो रहा है, इसको लेकर खूंखार स्मैक तस्करों ने अवैध रूप से कमाई गई रकम से आलीशान कोठियां बनवा ली हैं। इतना ही नहीं, विकास प्राधिकरण को भी ताक पर रख करके बिना नक्शे के अपनी आलीशान इमारतों को खड़ा कर लिया था। कासगंज जनपद में 20 फरवरी को मतदान है, इसके लिए कासगंज के मंडी समिति से चुनाव कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना हुई। कासगंज जनपद में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। इसमें कासगंज की 3 विधानसभाओं कासगंज, अमापुर, पटियाली में मतदान होना है। देखिए, आज हमारे यहाँ पार्टी डिस्पैच का दिन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग मंडी समिति में निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर संपूर्ण तैयारियां की गई हैं कि पोलिंग पार्टी के जो हमारे कार्मिक है उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। बैरिकेडिंग किया गया है, मेडिकल एड के लिए बताया गया है, कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। साथ ही में सारी जो हमारे जनपद में 1236 बूथ है उनकी पूरी पोलिंग पार्टी जो है उनको उनका सामान दिया जा रहा है। टेंट की व्यवस्था की गई है जहाँ पर सारी मशीन को देखा जा सके, अपनी सामग्री को चेक किया जा सके और उसके बाद उनकी रवानगी यहीं से होगी जहां पे बसों की व्यवस्था कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर एक अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नई मंडी कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर सिसोना रोड से 5 शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस टीम ने 2 तमंचे, कारतूस, चोरी की 11 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की है। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज थाना नई मंडी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय जो लुटेरे हैं उनको आज पकड़ा है और इसमें इन्होंने अभी हाल ही में थाना नई मंडी क्षेत्र में एक घटना हुई थी 20 तारीख को और नवंबर में एक घटना हुई थी, वो इन्होंने कबूल किए कि इन्होंने की है। और उस समय जैसा कि पता था कि 3 लोगों ने ये घटना की थी, लेकिन अभी जानकारी में आया है कि ये लोग टोटल 5 लोग हैं जो ये घटना करते हैं। और ये लोग मंगलोर रुड़की में भी घटना कर चुके हैं और ये खासकर जो रात में अगर बाइक वगैरह से कोई सुनसान रास्ते में कोई जा रहा है, अकेले जा रहा है, उनको रोक के ये बाइक वगैरह छीन लेते थे, उसका मोबाइल छीन लेते थे, पैसे छीन लेते थे। और मोबाइल ये लोग, क्योंकि इनकी संभावना रहती है मोबाइल द्वारा पकड़े जाने की, तो मोबाइल कहीं फेंक देते थे पैसे, और बाइक जो है किसी को भी बेच देते थे जो भी सस्ते में खरीदना चाहे। 3 बाइक जो है इनके पास से रिकवर हुई है, बाकी जो इन्होंने बेचने के लिए इकट्ठा कर रखी थी वो इनसे रिकवर हुई है। टोटल 12 बाइक इनसे रिकवर हुई है। अभी हम और जानकारी कर रहे हैं कि और इसने कहां घटना कर रखी है, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। ये जो 5 लड़के हैं, नितिन, राहुल, सोनू, मोनू, शोएब, 5ों ही मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इनमें कुछ कोतवाली के, कुछ मंडी के, कुछ थाना भोपा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके जानकारी कर रहे हैं कि और कोई इनके साथीगण हैं क्या जो इनके साथ ये घटना करते थे, अगर वो प्रकाश में आते तो उन पर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है। इसमें एक मोनू नाम के लड़के पे NDPS का मुकदमा दर्ज है, बाकी किसी पे कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक कोई जानकारी नहीं। बहुत कम उम्र के लड़के से ज़्यादातर जितने चोरी कर रहे हैं, क्या सर ये पूरा गैंग काम कर रहा है? हाँ, जैसे बताया ना कि ये रात में कोई भी ये सुनसान जा रहा है तो उसको ये पकड़ लेते थे। संभवतः ये हो सकता है कि क्योंकि ये जैसे NDPS में पकड़ा गया है तो नशाखोरी के चक्कर में ये बाइक वगैरह लूट के उसको सस्ते में बेच के नशे का इंतजाम करते हों। वो हो सकता है। किस तरह कोई वेपन बरामद हुआ है? 2 तमंचे इनसे बरामद। ठीक है। कानपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे पूर्व MLC लाल सिंह तोमर और उनकी पत्नी पूर्व विधायक अरुणा तोमर ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि लाल सिंह तोमर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। पूर्व MLC का कहना है कि इस बार चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से वो नाराज थे, साथ ही जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। सर, किन कारणों के चलते आज आपने BJP का था? लगभग 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, 12 चुनाव में पार्टी में लड़ा, मात्र इनके आदेश पर चुनाव जीते 3,
यही लोग हराते रहे और टिकट देते रहे। इस बार मुझको टिकट देने के लिए वादा किया था और हमारे मौजूदा इस समय सपा के अध्यक्ष अखिलेश जी ने मुझसे जब भी मिले, आपकी टिकट कौन काटेगा, आपकी टिकट कौन काटेगा, आश्वासन देते रहे और मेरी टिकट काट दिया। यहाँ तक कि जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी काम किया। राजा कौन है ये, रानी कौन है ये, और छत्री हमको वोट नहीं देते हैं, उससे मैं खिन्न हो गया कि हमारे जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके हमारी जात का अपमान किया जा रहा है। ऐसे में हमें इस पार्टी में रहने से क्या फायदा। हमारे पास संबंध आए, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं पार्टी को छोड़ूं, पांच कुछ वरिष्ठ नेता हमारे पास आए और उन्होंने आज मुझे पार्टी को ज्वाइन कराया और पार्टी को ज्वाइन करने के बाद यह ऐसा महसूस हुआ कि छोटे दलों की राजनीति से अच्छा है बड़े राष्ट्रीय दलों में रहो तो उसका एक सम्मान अलग होता है, एक इज्जत अलग होती है, और मुझे इतनी ही देर में उतना सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कि मुझे परिवार से ऐसा महसूस हुआ। कानपुर के संचेड़ी थाना क्षेत्र में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव पकड़ी में 17 फरवरी की दोपहर से शिव महान सिंह का 7 वर्षीय बेटा शौर्य सिंह लापता था। देर रात शौर्य का शव गांव के ही मंदिर के पीछे नग्न अवस्था में पड़ा मिला। आपको बता दें कि मृतक के बड़े भाई ने बताया कि उसको दबंग व्यक्तित्व के आदमी गणेश सिंह के साथ देखा गया था। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों भी कानपुर के नरवल में ही एक मासूम की कुकर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा नाम है हमारा। अजय जी, क्या घटना हुई, कहां से आए? घटना ये हुई कि शाम से ढूंढना चालू किया, हमारे यहाँ 8 बजे उन्होंने फोन किया, चाचा तुम्हारे यहाँ है क्या? हम कहा हमारे यहाँ नहीं है भाई, दिन भर खेलता है मेरे घर में। उसके बाद में गया और दूध देने जाता था पड़ोसी के यहाँ। उसके बाद में शराब ठेका वाले ने बताया कि गणेश लिवा के लाए थे छोटे बच्चे को, और दूसरे लोगों ने और बताया दूध की बाल्टी उनके परिवार में धरी मिली। उसके बाद में इनके छठ में सारा प्रोग्राम हट काम सब गणेश का ही काम है, दूसरे कोई काम नहीं। ये गणेश है, गणेश हैं, उनके अंगद सिंह के लड़के हैं क्या? इसके 200 केस चल रहे हैं। पुराना विवाद था? पुराना विवाद कोई नहीं है, बच्चा पुरानी कोई रंजित नहीं थी, गाँव का सबका प्यारा था। कहाँ पे सब मिला था बच्चे को? बच्चा घर के पीछे उनके मिला है, जंगल में पीपल का पेड़ है और मंदिर है, कौन मंदिर है वो हनुमान जी का, हनुमान जी के मंदिर के ठीक पीछे बगीचे में। और ये लेते बेते थाने में जाके उनके कपड़े बदला दिए गए, शरीर में उसके एक भी कपड़े नहीं थे, एक भी कपड़े नहीं, जो पहन के गया था वो कपड़े मौके में नहीं मिले। हम क्या नाम है आपका? सूरज सिंह नाम है मेरा। सूरज जी, क्या घटना हुई है? मेरे भाई को सर उठा कर पहुँच गए थे और उठा के ले गए थे मेरे भाई को गणेश सिंह और उनके भाई, और उनको बहुत मारा है सर और जान से मारने की धमकी भी दी है सर। कैसे रहे गांव में आप ही बताइए। कौन से गांव का मामला है? ये ग्राम पकड़ी का मामला है सर। कौन सा थाना लगता है? थाना सचेंडी। कब आपके भाई की हत्या की गई है? सर कल शाम को 9:30 बजे। सुना रहे कि वो लापता था पहले से? जी नहीं। क्या पूरा मामला हुआ है? सर वो उसको वो दूध देने गया था दूसरे के घर में, हमारे यहाँ भैंस लगती, दूध देने गया था सर, तो वहाँ से वो वापस जा रहा था घर। जब घर जा रहा था तो उसने ज़बरदस्ती बैठा लिया अपने पास में गणेश सिंह ने। कौन कौन लोग थे? गणेश सिंह थे और उनके 2 भाई हैं, और उन्होंने हमको बहुत मारा था। हमने देखा उसको गाड़ने ले जा रहे थे पहले बात तो। कहाँ पे शव मिला था बच्चे को? मंदिर के पीछे वो मिला था। क्या नाम था बच्चे, कितनी उम्र हो? बच्चे की उम्र 8-7 साल उम्र है, सौर सिंह नाम है उसका। थाना कौन सा? थाना सचेंडी। न्यूज़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।